हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू नुगुड अवे। आज दोस्तों 11 अप्रैल 2023 और 11 अप्रैल 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन 11 अप्रैल को है वो कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो 2013 में भारत सरकार इन्होंने 11 अप्रैल को राजनीतिक जो कार्यकर्ता थी कस्तूरबा गांधी, इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की थी। और ये सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए ये दिवस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस वो मनाया जाता है। और इसी के साथ में 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे के रूप में भी मनाया जाता है। जो पालतू जानवर है उनके महत्व के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने और उन्हें विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए जो राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो नेशनल पेट डे, इसका उद्देश्य है कि जो सड़क पर छोड़े गए जो पालतू जानवर हैं उनको अपनाया जाए और उनकी विशेष देखभाल की जाए। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य ने जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक जो अवकाश के रूप में घोषित हो किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो राजस्थान के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने जो समाज सुधारक है महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। और महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती है वो प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाई जाती है। 11 अप्रैल को आज के दिन इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अभी तक जो राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है उस पर एक अवकाश दिया गया। और ज्योतिबा गोविंद राव फुले वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी। जो ज्योतिबा राव फुले तो इनका जन्म है वो 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब राजस्थान है तो राजस्थान से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत की जो पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की गई। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और कोटा में MSME जो औद्योगिक प्रदर्शनी है और इसमें मेले का उद्घाटन वो कोटा में किया गया। और 18वीं जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस है वो जयपुर में आयोजित हुई। और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और भारतीय जो सेना है उनकी दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा जो शत्रु नाश अभ्यास का आयोजन है ये भी राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसमें राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है ये टॉप पे और रहा है। और भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 14वें जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका उद्घाटन है वो भी राजस्थान में किया। और महिला निधि है ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। अब राजस्थान राज्य है तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और राजस्थान की एक सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसे इस सीमा को रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और राजस्थान की जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री वो है अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना गठन हुई थी। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान है तो राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य है जिसमें मुकुंद्रा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का। और राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर के समीप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये सी राधाकृष्ण राव को प्रदान किया गया। जो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविद है इनको राधाकृष्ण राव को जो सांख्यिकी में 2023 का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये अवार्ड गणित क्षेत्र में जो गणित का क्षेत्र उसमें नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और राव के द्वारा जो गणित के क्षेत्र में किए गए जो अहम योगदान है उनके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। जो इंटरनेशनल प्राइज इन जो फाउंडेशन है इन्होंने जो 75 साल पहले राव ने जो अहम योगदान दिया था उन्हीं को योगदान को मद्देनजर रखते हुए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं अवार्ड से संबंधित,
कि किन को कौन सा अवार्ड दिया गया उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि सी आर राव इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जीता है और नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नित्य अब्राहम को मिला है जो युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी के द्वारा जो संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया और असम के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और मीराबाई जो चानू है इन्होंने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और भेल ने जो सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सीबीआईपी अवार्ड 2022 है वो जीता है और एनटीपीसी है तो इन्होंने लगातार छठवें वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 है वो जीता है और एमटी वासुदेवन नायर है इनको केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है और कश्मीर की जो आलिया मीर है इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राशिद खान ने ये रिकॉर्ड बनाया है। जो गुजरात टाइटंस के राशिद खान है इन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है और केकेआर के खिलाफ जो अहमदाबाद में खेले गए जो आईपीएल मैच में इन्होंने ये उपलब्धि वो हासिल की। राशिद ने जो आंद्रे रसल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर है इनके लगातार 3 गेंदों पर अपना शिकार बनाया है और राशिद ने क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में अपनी चौथी हैट्रिक पूरी की है और दुनिया के अन्य बल्लेबाजों से आगे वो निकल चुके हैं। और वर्ष 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए जो भारत के पूर्व गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी इन्होंने आईपीएल की पहली हैट्रिक वो ली थी। अब इससे संबंधित तो क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि धोनी रैना सहित 5 भारतीयों को एमसीसी ने आजीवन जो मानद सदस्यता है वो प्रदान की है और श्रीलंका ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में नाकाम हो रहा है और राजस्थान में जो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनेगा और साकिब अल हसन है इन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं और फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वो एशले गार्डनर और हैरी ब्रुक के नाम किया गया है और ब्रेन स्ट्रोक्स है ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने और विराट कोहली वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि महिला सुरक्षा जो बोरोक्सा है इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। जो राष्ट्रपति इन्होंने असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था उस कार्यक्रम में जो महिला सुरक्षा के लिए जो भरोसा है इस एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया और इसमें जो संकट की स्थिति में जो महिलाएं वो इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो जियो लोकेशन के साथ जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबरों पर जो SOS मैसेज है वो भेज सकेंगी और साथ ही जो फोन शेयर करके कॉल भी कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है इन्होंने असम के लिए जो ई सेवा केंद्र की वेबसाइट पर 2 एप्लीकेशनों का भी अनावरण वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3,167 हो चुकी है। जो भारत है इन्होंने वर्ष 2022 तक जो बाघों की आबादी है ये बढ़कर 3,167 हो चुकी है और पिछली बार जो आंकड़े जारी किए थे उससे अब की जो ये आंकड़े हैं ये 200 अधिक हैं, पहले कम थे अब 3,167 हो चुके हैं। और ये जो आंकड़े हैं इसमें भारत में बाघों की संख्या वो वर्ष 2006 के हिसाब से देखे 2006 में बाघों की संख्या थी 1411 और 2010 में ये बढ़कर 1706 हो चुकी थी और इसके बाद 2014 में जो आंकड़े जारी किए गए थे इसमें ये संख्या 2226 हो गई थी और प्रोजेक्ट जो टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर जो मोदी है इन्होंने भी इसमें कर्नाटक का जो दौरा किया था और इसमें जो 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में जो बाघों के संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट है टाइगर इसको लॉन्च किया था। अब इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पेंच अभयारण्य और केरल का पेरियार अभयारण्य देश में सबसे अच्छे प्रबंधित बाघ अभयारण्य के रूप में उभरे हैं और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2014 में से अधिकतम सुधार दर्ज किया और मिजोरम उत्तराखंड में जो दंपा और राजाजी रिजर्व है इसमें क्रमशः टाइगर काउंट के मामले में सूची में सबसे नीचे है और बक्सा है जो पश्चिम बंगाल में पलामू दंपा इस रिजर्व में कोई भी बाघ वो नहीं पाएगी और वैश्विक जो बाघ दिवस वो प्रतिवर्ष 19 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये भारत को चुना गया है। जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए जो सर्वोच्च निर्णय लेने का एक निकाय है, और जापान की जो शिगेरू कावासाकी है वो इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है, और भारत को जो 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले जो 4 साल के कार्यकाल है, इन 4 साल के कार्यकाल के लिए इस निकाय के लिए भारत को चुना गया। भारत में जो हाल ही में जो क्या घटित हुआ है, कौन सी इंपोर्टेंट फैक्ट है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम, जो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया, और भारत ने बाली में समृद्धि वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके दूसरे दौर में भाग लिया है, और भारत का लक्ष्य 2030 तक जो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप का निर्माण करना है, और सरकार ने जो अंबेडकर को समर्पित जो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत जो 4 तीर्थ स्थल हैं उनका चयन किया, और नमामि गंगे मिशन सेकेंड है इसको 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, और केंद्र सरकार ने जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति है उसका भी गठन किया है, और केंद्र सरकार है तो इन्होंने पीएम कुसुम योजना की अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ा दी है, और ईपीएफओ ने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, और पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो मार्ग पोर्टल है वो लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडअप इंडिया स्कीम है इसको किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 2025 तक इसको बढ़ाया गया है। तो आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो 2016 में स्टैंडअप इंडिया योजना वो शुरू की गई थी, और इस योजना को अब 2025 तक वो बढ़ा दिया गया, और स्टैंडअप इंडिया योजना उसके कार्यान्वयन के लिए जो 7 वर्षों तक है, 7 वर्षों में इसके तहत जिसमें 40,700 करोड़ रुपए उसकी अवधि की मंजूरी वो इसमें दी गई है, और इस योजना के तहत जो लगभग 80% ऋण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। अब इससे संबंधित या इसमें क्या पात्रता होनी चाहिए उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी है जिनकी उम्र 18 से अधिक हो, और योजना की ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है, और इस संदर्भ में ग्रीन फील्ड निर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र में आए कृषि संबंधी गतिविधियों के लाभार्थियों का एक उपक्रम है, और गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी या अनुसूचित जो जाति या जनजाति है या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए, और ऋणकर्ता वो किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और इस योजना में 15% तक सीमा राशि की परिकल्पना की गई है जो केंद्रीय राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रदान की जा सकती है, और किसी भी स्थिति में ऋणकर्ता को परियोजना लागत का कम से कम 10% अपने योगदान के रूप में भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्था ने स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी है ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये IMF के द्वारा जारी की गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इन्होंने स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी है इस नाम के रिपोर्ट और जारी किया, और इसमें जो देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर एक ध्यान केंद्रित करने का एक श्रेय भी वो इसमें दिया जाता है। अब IMF है तो IMF की स्थापना है ये जुलाई 1944 को IMF की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके MD है क्रिस्टिन लेगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि किस भारतीय ने विश्व शतरंज जो आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, डी गुकेस के द्वारा ये टाइटल वो जीता गया। तो भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेस इन्होंने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया जो इवेंट है इसका टाइटल अपने नाम किया, और गुकेस इन्होंने फाइनल में जो उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन है नोदी बेग इनको हराकर ये टाइटल वो जीता। अब अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है ये भारत में शतरंज के खेल के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय, और इसकी स्थापना वो वर्ष 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि गया मिशन है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ESA के से जुड़ा हुआ है। तो गया मिशन वो ESA की परियोजना है जिसमें मिल्की वे के गठन और इसकी वर्तमान प्रकृति को समझने का प्रयास वो करते हैं, और इस मिशन के जो डेटा के साथ अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्लैक होल के एक नए परिवार की भी खोज किया, और ये दोनों ब्लैक होल पृथ्वी के सबसे करीब है वो माने जाते हैं।
अब ईएसए है तो ईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, और ईएसए की जो स्थापना है ये 30 मई 1975 को इसकी स्थापना वो हुई थी, और इसके महानिदेशक हैं जोसेफ एस बेकर। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य में भगवान हनुमान की जो 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात राज्य में इसका अनावरण किया गया, और इसका अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, और ये मूर्ति और तांबे की बनी है, और अहमदाबाद के नरनपुरा में स्थित हनुमान मंदिर की मूर्ति है, और इसी मूर्ति की जो लंबाई ऊंचाई है वो 4800 फीट ऊंचे पेडस्टल पर यह मूर्ति खड़ी है, और इस मूर्ति की ऊंचाई है 54 फीट की। चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।